नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत मौर्या एक बार फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है बारबेक्यू नेशन, जो 24 तारीख से खुल रहा है। दोस्तों इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, कंपनी कैसी है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल वैल्यूएशन रिस्क के बारे में बात करेंगे, बाद में कंक्लूड करेंगे इसे सब्सक्राइब करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी और उसके बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी को स्टार्ट किया था 2006 में, वन ऑफ द लीडिंग कैजुअल डाइनिंग चेन रेस्टोरेंट है इंडिया में। दोस्तों ये अदर रेस्टोरेंट जैसा सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर करता है, बट थीम है इसका ग्रिल प्रोडक्ट। दोस्तों इस कंपनी के पास 147 आउटलेट है इंडिया में और 6 इंटरनेशनल आउटलेट है। इसमें राकेश झुंझुनवाला का स्टेक है, प्लस इसमें एसेक्स पार्टनर इक्विटी फंड ने इन्वेस्ट किया है। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के बेसिक डिटेल के बारे में। कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 24 तारीख को, क्लोज हो रहा है 26 तारीख को। आईपीओ का प्राइस बैंड है 498 से लेकर 500 रुपीस। आईपीओ का साइज है 453 करोड़, उसमें से 180 करोड़ का फ्रेश हुआ है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ का लॉट साइज है 30 और पोस्ट लिस्टिंग कैप मार्केट कैप बनेगा 1877 करोड़। दोस्तों कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव आईपीओ लाने का, जो भी पैसा रेज करेगी 180 करोड़ रुपीस, उसे यूज़ करेगी डेट को रिड्यूस करने में। दोस्तों आप बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की, तो यहाँ पर हमने 18, 19, 20 और 8 मंथ FY21 का फाइनेंशियल नंबर रखा है। आप देख सकते हो जो नेट सेल्स है इसका, नेट रेवेन्यू है, जो 20% CAGR ग्रोथ किया लास्ट 2 साल में, बट एबिटा लेवल पे प्रेशर है और ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे तो लॉस में है कंपनी लास्ट 2 साल से। सो अगर हम फाइनेंशियली ओवरऑल कंक्लूड करें तो उसका फाइनेंशियल इतना खास इंप्रेसिव नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क की, तो होटल एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, अगर ओवरऑल स्लो डाउन होगा इकोनॉमी से तो लोग स्पेंड करना कम कर देंगे, तो ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा इस बिजनेस को। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन के लिए जुबिलेंट फूड वर्क बर्गर किंग स्पेशलिटी रेस्टोरेंट रखा है। अगर हम EV/Sales सेल्स पे देखें, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जुबिलेंट फूड का 10.1 है, बर्गर किंग का 7.1 है और बारबेक्यू नेशन का 2.5 है। सो ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूँ तो वैल्यूएशन सस्ता है, बट कंपनी कहीं ना कहीं कंपनी 2-3 साल में लॉस कर रही है, और अब स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को देखो तो वो भी 3-4 साल से लॉस कर रही है। तो अगर मैं कंसिडर करूँ इस सब चीज़ को तो मैं इस IPO को न्यूट्रल रेटिंग दूंगा। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.